हेलो नमस्कार, नवाचार में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण में मीटिंग में क्या हुआ, पीडी खेरवा जी ने इस विस्तार से बताया है। ठीक है, इसमें अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की मांग रखी गई थी, तो सरकार ने बोला है कि अलग से नीति बनाई जाएगी, अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए नियमित किया जाएगा। जो भी पदाधिकारी मौजूद थे शिवराज सरकार के, उनने सभी ने बोला है कि अलग से नीति बना के अतिथि शिक्षकों को योग्यता और अनुभव के आधार पर नियमित किया जाएगा। और जिनके पास डीएड बीएड है उनको नियमित किया जाएगा। जो अतिथि शिक्षक योग्य नहीं है उनको पहले योग्य बनाया जाएगा, फिर इसके बाद उनको भी नियमितीकरण किया जाएगा। पूरी विस्तार इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। पीडी खेरवार जी ने क्या कहा है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे अपडेट पाने लें। पूरा वीडियो जरूर देखें। पीडी खेरवार जी क्या कह रहे हैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। समस्त अतिथि शिक्षक साथियों को सादर जय हिंद, सादर नमस्कार, सादर जय गुरुदेव। विश्वास है आप सभी सकुशल होंगे, प्रसन्नचित होंगे, निरोगी होंगे और अपने अपने दैनंदिन के कार्य में लगे होंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है। साथियों, मैं पीडी खैरवार आपका साथी, आपका दोस्त, आपका भाई, आज फिर इस वीडियो के माध्यम से कुछ समय आपका लूंगा और उस समय में मेरे हिसाब से कुछ आवश्यक बातें अपनी तरफ से आप सबसे करना चाहूंगा, जिस पर आप के लिए सिर्फ ये सुझाव मात्र है, यह कोई निर्देश नहीं है, यह कोई आदेश नहीं है, मैं होता भी कौन हूं। साथियों, वर्तमान में हमारे साथ जो परिस्थितियां चल रही हैं वो सच में परिणाममूलक ही कही जा सकती हैं और हैं भी। हमने जितने समय का जो त्याग किया है, एक प्रकार से बलिदान ही कहिएगा, उसका नतीजा अब तक हमको मिलते दिखाई दे नहीं रहा है, आसार कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आ रहा है। हमने 15-17 साल तक जो सरकार की सेवाएं की हैं, करते आ रहे हैं, कुछ साथी सेवाओं से वंचित हो चुके हैं, उनको अलग कर दिया गया है शासन के समय समय पर जारी आदेश निर्देश के मुताबिक। सब मिलाकर के कुल मिला के हमने सरकार को दिया ही है, सरकार से हमने लिया कुछ नहीं। साथियों, ये बात तो सच है कि हमारे पास सच में खोने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, पर पाने के लिए मैं समझता हूं बहुत कुछ है। हमारी सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन में हमने बहुत कुछ नुकसान उठाया है, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, चाहे वह सामाजिक रूप से हो, चाहे वह नैतिक रूप से हो, चाहे भौतिक रूप से हो। मुझे तो एहसास होता है कि हम हर दृष्टिकोण से घाटे के अलावे फायदे में रहे ही नहीं है। अतिथि शिक्षक रहते हुए, अतिथि शिक्षक रह करके हमने अन्य कोई दूसरा फायदे का काम तो वैसे भी कर नहीं पाया है। अतिथि शिक्षक रहते हुए इतना जरूर हमको मिला है कि समाज का एक वर्ग जहां हमें उपेक्षित दृष्टि से दिखता आ रहा, वहीं एक वर्ग ऐसा भी है जो हमारा सम्मान किया है, करता आ रहा है और करता रहेगा भी। और इस बात को लेकर मैं यह भी जानता हूं कि हमारे अतिथि शिक्षक भाई बहनों में बहुत भाई बहनों के अंदर ऐसे गट्स रहे हैं जिनके चलते उन्होंने समाज से सम्मान ही पाया है और बेहतर सम्मान पाया है। साथियों, नुकसान हमने बहुत उठाया तो है, मैं समझता हूं हमारी ये वर्तमान पीढ़ी जो जा रही है, गुजर रही है, यह तो नुकसान में है ही। हमारी इसके पहले की पीढ़ी, हमारे माता पिता की पीढ़ी जो है, उसको भी हमारे अतिथि शिक्षक का काम करने के कारण नुकसान मिला है। मैं इसको इस तरह समझता हूं कि हम निश्चित रूप से उनकी भी सेवाओं में कहीं ना कहीं कमी जरूर पड़ी होगी हमारे अतिथि शिक्षक का काम करते करते। इस तरह आने वाली पीढ़ी जो हमारे बच्चों की पीढ़ी है, उनको भी बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि हमने अपने परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा
नहीं कर सका है, अतिथि शिक्षक का काम करके, अतिथि शिक्षक का काम करने के बाद जो हमको पारिश्रमिक मिला है वो इतना कम मिला है कि जिससे हमारा नुकसान ही नुकसान हुआ है। हमने ऐसी कोई बड़ी जिम्मेदारियों का पूर्णतः पालन पारिवारिक रूप से नहीं कर पाए हैं इस राशि से, इसलिए मैं 3 पीढ़ियों को बर्बाद करना समझता हूँ। बावजूद इसके मध्य प्रदेश की सरकार अब तक तनिक सा भी इस ओर चिंतन नहीं कर पाई है। इस बीच कुछ समय के लिए कांग्रेस की सरकार भी आई, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लंबे समय से, कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ही अतिथि शिक्षक प्रणाली लागू हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अतिथि शिक्षक प्रणाली के लिए जन्मदाता है और अब तक चाहे जैसा भी हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारा पालन पोषण भी किया है। आखिर हमारा पालन पोषण एज ए गार्जियन ना करके, मैं नहीं समझता कि गार्जियन के रूप में सरकार ने हमारा पालन पोषण किया हो, अब तक हमारा शोषण ही हुआ है और जानबूझकर शोषण किया गया है, भूल से नहीं, अनजाने में नहीं। हमारे द्वारा समय समय पर सरकार को बताते जाने के बाद भी सरकार के नुमाइंदों को समझ में बात अब तक नहीं आई कि अतिथि शिक्षक परिवार बहुत ज्यादा कुपोषित हो चुका है जब से सरकार के स्कूलों में पढ़ाने का काम करना चालू किया है। वैसे तो 2006 से ही अतिथि शिक्षक का एक दूसरा नाम था, इसके पहले उसके रूप में यह व्यवस्था शुरू की गई। 2008 से अतिथि शिक्षक भर्ती नियम बनाकर के सरकार ने विधिवत रूप से इस प्रणाली को लागू की, तब से आज 2023 आ चुका है, लगभग 16 वर्ष के बीच हजारों अतिथि शिक्षक साथी ऐसे हैं जो किसी ने 1 साल काम करके बाहर का रास्ता देख लिया, किसी ने 2 साल किया, 3 साल किया, किसी ने 4 किया, किसी ने 5 किया, किसी ने 6 साल किया, किसी ने 7 साल किया। इस तरह शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेश निर्देश का शिकार अतिथि शिक्षक होता आ रहा है और आज भी वही स्थिति बनी हुई है। अतिथि शिक्षक भर्ती नियम में कोई खास संशोधन नहीं हो पाया, अलग बात है भी कुछ साल पहले से ऑनलाइन भर्ती व्यवस्था हुई, इसके बाद फिर एक छोटा सा संशोधन यह हुआ कि अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अब पिछले वर्ष के पैनल को भी ध्यान में लाया जाएगा। पिछले वर्ष की पैनल में जिनका नाम ऊपर है ऐसे अतिथि शिक्षकों को पहले बुलाया जाएगा। ऐसी स्थिति नहीं की स्थिति में विज्ञापन जारी किए जाएंगे या फिर आसपास के स्कूलों की पैनल देखे जाएंगे, ये भी थोड़ी सी व्यवस्था बीच में समाहित की गई। साथियों अभी कुछ समय से हम देख रहे हैं कुछ हमारे मध्य प्रदेश के कुछ प्राचार्यों के द्वारा कुछ संकुलों के माध्यम से ये आदेश जारी किए जा रहे हैं कि जो अतिथि शिक्षक प्रशिक्षित नहीं हैं उनको अलग करके प्रशिक्षित अतिथि शिक्षकों की भर्ती, मतलब प्रतिथि प्रशिक्षित उम्मीदवारों की भर्ती अतिथि शिक्षक के रूप में की जाए, आदेश चल रहे हैं। और जहाँ तक इस संबंध में खंगाले जाने पर पता चला कि शासन स्तर से इस तरह के कोई निर्देश है नहीं, अगर यह कार्यवाही चल रही है तो निश्चित रूप से उन प्राचार्यों की कहीं ना कहीं मनमानी है। शायद एक आदेश का हवाला वो दे रखे हैं पर वह आदेश भी स्पष्ट नहीं कहता कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। साथियों बीच में आज से 4-5 साल पहले ही हमारे मानदेय में थोड़ा सा तवज्जो हुआ है, उसको हम जस्ट डबल कहेंगे, जिनको 2500 रुपये लगभग महीने का मानदेय मिला करता था उनको 5000, राउंड फिगर बता रहा हूँ, आवश्यक नहीं कि 5000 सबको मानदेय मिलता आ रहा हो वर्ग 3 में, जिनको 3500 रुपये महीने मानदेय का था वर्ग 2 में उनको 7000 और जो 4500 मानदेय जिनको मिलना था उनको 9000। ये भी एक हमारे फायदे के लिए सरकार ने किया बीच में। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं, सरकार ने बीच में एक राजपत्र जारी करके
दो तीन किस्म के फायदे भी दिए, वह फायदे में फायदे नहीं। जैसा कि भविष्य में शिक्षक भर्ती होने की स्थिति में स्वीकृत पदों के 25%, उसको हम समझ नहीं पाए। आखिर हमने इसको लेकर माननीय राज्यपाल महोदय के यहाँ आपत्ति भी दर्ज की थी उस समय, पर उस पर कार्रवाई बिल्कुल नहीं हो पाई। उम्र की छूट और शिक्षक भर्ती में कम से कम 200 कार्य दिवस या 3 सत्र का अनुभव।